बना रहे क्या? मैंने की बात भूल गए? उठो। एक एक मिनट का हिसाब लूंगा कम चोरो। होदो साले ठीक से। भागते तो हिरण के जैसे हो, फिर पकड़े कैसे गए? हम पकड़े नहीं गए, खुद को सरेंडर किया है। हम सुधरना चाहते थे। क्यों? अपने प्यार को पाने के लिए। तैरना जानते हो? जाओ सब लोग, बोट के पीछे की तरफ जाओ। जल्दी चलो, और भी बहुत काम बाकी है। चलो सभी, चलो। अगर अपने प्यार को पाने के लिए जान पे खेल सकते हो तो तैरने के लिए तैयार हो जाओ। अब पुलिस रिकॉर्ड से माइकल का नाम हमेशा के लिए मिट चुका था। भाई साहब, हमें वो फूल खरीदने। पिंटू, चिंकू, भैया जी, भैया जी, आप वापस आ गए। हम धन्य हो गए भैया जी। भैया जी, मतलब पैरोल पे आए हैं या भाग के आए हैं? ये फूल पत्ती वाला काम भैया जी हमको नहीं करना है।
चलिए अपना वही पुराना वाला काम करते हैं। देखो हम सुधर के आए हैं, हम जान दे देंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, समझे? हमको फूल चाहिए। अब बताओ वो ये लाल गुलाब कितने में दिए? भैया जी अब आपसे पैसे थोड़े ना लेंगे भैया जी। और बिना पैसे के हम लेंगे भी नहीं, हमें आपकी हेल्प चाहिए, काम मिलेगा। नहीं दिखता क्या है? वो परिवार जो यहाँ पे रहता था एक साल से बंद पड़ा है, कोई रहता तो ताला क्यों लगा रहता? कमाल के बंदे हैं आप। हम कहा कह रहे थे भैया कि आपने उस हफपेंट को मार्केट में खड़ा किया और आपके जाते ही जेल, वो साला किसी लड़की के चक्कर में आके 1 2 3 साला। देखा भैया जी के पैसे पे कहीं अय्याशी कर रहा होगा दोगला साला। जब सारे दरवाजे बंद होते दिखे तो माइकल ने सिर्फ एक ही दरवाजा खटखटाना उचित समझा। वर्षा नहीं मिलती हम यहां से नहीं जाएंगे, हमारा इंतजार तो किया होता वर्षा जी। हैप्पी साहब, माइकल की कहानी सुन के ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कहीं चूक गया। इतिहास के किताबी पन्नों में कुछ ऐसा खोए कि मोहब्बत की मिठास ही भूल गया। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी कुछ खा लीजिए।
कोरोना में लोग हमारे ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगा रहे हैं। माइकल फील गुड मिश्रा तो वर्षा शुक्ला के प्यार में सचमुच के जेंटलमैन बन गए थे, आदतों से भी और कपड़ों से भी। दूर हो जाओ हमारी नजरों से पाखंडी ढोंगी, हम जरा जेल के गए, तुम एक लड़की के पीछे एक दो तीन फुर। भैया जी हम फुर नहीं हुए भैया जी, और कोई लड़की नहीं वर्षा जी, हम भाभी को दो मिनट अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दिए भैया जी। तुम सही कह रहे हो, भोलेनाथ की कसम हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नहीं भैया, नहीं भैया जी। कैसी है हमारी वर्षा? आपके इंतजार में थोड़ी दुबली हो गई भैया जी, बस अब आ गए ना सब ठीक हो जाएगा। अरे कोई रास्ता है अंदर जाने का, जल्दी शॉर्टकट दिखा देना। आ जाओ भैया जी। इस्माइल चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं अपने अगले प्रतियोगी जो खाएंगे 5 मिनट में 50 मिर्चियां। पिंकू पांडे। अरे बकरोल, ये हीरो की नहीं चोरों की एंट्री है। ओहो। अरे कहाँ है पिंकू पांडे? सर अभी यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया सर। मिर्चाएं तुम्हारे पिताजी खाएंगे, जाओ पकड़ के लाओ उसको जल्दी। बेस्ट ऑफ लक भैया जी। अरे हम कौन सा कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं? स्मार्ट लग रहे हैं, पहली बार सूट पहने हमने। कोई मिर्ची खा सकता है क्या? 5 मिनट में 50। अरे भाई साहब वर्षा जी कहाँ मिलेंगी? आप चलिए ना मेरे साथ। थैंक यू, आप तो बड़े गुड मैन टाइम निकले। चलिए तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए पिंकू पांडे का। वर्षा जी हम सुधर गए, हम सुधर के आए हैं, बिल्कुल जेंटलमैन। कहाँ कहाँ ढूंढा आपको हमने। वर्षा जी मुझे तो ये आपका फैन लगता है, ऑटोग्राफ चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। पिंकू पांडे। अब मजाक कर रही हो वर्षा जी, इनको देख के एकदम नर्वस आ गए हैं। अरे नर्वस आएंगे का है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है हमारा। अरे इन्होंने कहा जाके सुधर के आओ, हम चले गए, हम बिल्कुल सुधर के आए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू माइकल मिश्रा हो गए हम। क्या बात कर रहे हैं? हाँ पांडे जी आप कंपटीशन में आए, जाके मिर्चियां खाइए प्लीज। प्लीज हाँ भाई। वर्षा जी आप, अरे इतना पुराना जान पहचान है आपका, पहचान नहीं रहे? क्या कह रहे हैं आप, जानते भी नहीं है इनको, शक्ल नहीं देखी कभी इनकी, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? सिक्योरिटी का जाइए।
निखिल मिश्रा का दिल टूटा था और साथ ही साथ मिर्ची खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। Thanks you so much for loving me. हम भी आपसे डीपली प्यार करने लगे हैं। हम इस प्यार को एक नाम देना चाहते हैं। हमारे चाचा चाची के मन में आपका इम्प्रेशन थोड़ा बैड है। आजकल के बॉयज के हिसाब से तो आप कूल हैं, पर घर के एक दामाद के हिसाब से थोड़ा अनकूल। हरकतों पे थोड़ा थिंक करें और आदतों पे रीथिंक। हम चाहते हैं आप हमारे घर आए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सुधर जाए। हम सुधरने के रास्ते पे निकल पड़े। ये बात अपने दिल में रखना, किसी से न कहना। छोटा शहर है, मेरी बदनामी होगी। जी ऑटोग्राफ। खुश तो बहुत होंगे ना आप? जी। भैया जी का दिल तोड़ के? सही कहते, चेहरे पे चूना लगाने के बाद ना लोग बदल जाते हैं। तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, फिल्म स्टार वर्षा शुक्ला से। बहुत फेमस हो गई ना आप। माइकल मिश्रा को भूल गए? अरे क्या क्या नहीं किया भैया जी ने, सबको छोड़ के, हमें छोड़ के आपकी इस चिट्ठी की वजह से सुधरने के रास्ते पे निकल पड़े। और अब ये मत कहना ये हैंडराइटिंग भी आपकी नहीं है। ये चिट्ठी तो ये गिटार बास तो वही था जो माइकल के घर के ऊपर रहता था। अरे कौन मातम कर रहा है? चल 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 चल। अरे सुसराज। मिस्टर मिथिलेश माथुर। ओए लंगूर। वर्षा शुक्ला की प्रेम कहानी में माइकल मिश्रा तो कभी थे ही नहीं। दरअसल ये हुआ था, वाँ। वाँ।
से खाली था दिल का मोहल्ला, ओ हमारी सजनिया तू ही तो आके बस गई। देंगे बाप का दुतल्ला, ओ हमारी सजनिया तू ही तो हम का जच गई। बलकनिया में खड़े रह के नैन मटका करो तुम, और मोहल्ले में ना कटे हमरी। वो भी तो घर खाली करके भाग ही गया ना। हम प्यार में फेल हो गए चॉकलेट। अपने माइकल भैया से कहना कि अपने दिमाग का इलाज कराएं। एक चिट्ठी पढ़ के कहां से कहां निकल गए? बचपन से ही पागल है क्या? हाँ बचपन से ही पागल है आपके लिए। चली कैसे जाती? इश्क की गाड़ी जो चल पड़ी थी। ओ इश्क की गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्क की गाड़ी, ओ इश्क की गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्क की गाड़ी, ओ इश्क की गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्क की गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्क की गाड़ी। माइकल भैया कहाँ है? वो तो चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए माइकल भैया, पूरा अस्पताल भी ढूंढ लिया। वर्षा जी अगर आप चाहो तो हम आपको एयरपोर्ट छोड़ सकते हैं। जैम्बो सरकार, जैम्बो सरकार, पटना शहर में पहली बार सारे परिवार के लिए जैम्बो सरकार, बच्चों के लिए खाना करता डॉक्टर से। को मैंने कंकड़ बाग में 10 बजे देखा था। माइकल मिश्रा? माइकल भैया को मैंने 10:30 बजे गया जाने वाली बस में चढ़ते हुए देखा है। माइकल मिश्रा? माइकल भैया को मैंने वहाँ टुमारो में चढ़ते हुए देखा है। हेलो, भी नहीं बोल सकते थे क्या? समझते अपने आप को?
क्या समझते हो अपने आप को? हाँ तुम क्या सोचे, इतने साल से तुम ही हमें ढूंढ रहे थे। जाए तेरी हो बहता बहता। फर्क सिर्फ इतना था कि हम उम्मीद छोड़ दिए और तुम उम्मीद नहीं छोड़े। मिश्रा जी,